बॉन्डिंग में जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं देन वी गो थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज अ लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग. वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. आई एम डॉक्टर रिजवाना, साइंटिफिक रिसर्चर एंड ट्रेनर. लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल. जब हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हमने तीन तरह के बॉन्ड से गो थ्रू हुए, जिसमें हमारे पास जो थे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थे, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पार्शियल चार्जेस भी क्रिएट कर रहे थे. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है, और इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी होता है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, और हम लोगों ने पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स को जब पढ़ा तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को भी डिटेल से देखा. जो पाई हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और दो जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं. अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज द लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग. लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में. हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत रोल प्ले करता है. प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड होने से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं. अब हम जब मेन फीचर्स देखते हैं, मेन प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड की, तो वो बॉन्ड्स फिक्स होते हैं, रेजोनेंस में नहीं होते, और दे आर लीस्ट स्टेबल जब हम उनका कंपेरिजन करते हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्ड से. ठीक है, कैसे होते हैं एग्जांपल्स देखते हैं आपको. सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैं एलेबरेट करने की कोशिश करती हूँ. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसमें हमें आपने पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो था इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में था, और इन दोनों ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और अपने जो थे ऑक्टेट अपना जो है वो कंप्लीट किया आउटरमोस्ट ऑर्बिट. ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर पेयर इनके पास इलेक्ट्रॉन का पड़ा हुआ है उसको एक इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो है उसका उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड है, और एक इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर सिर्फ दो न्यूक्लियस का होल्ड है. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम कह सकते हैं यहाँ पर लाई कर रहा है बिटवीन द टू न्यूक्लियस. ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं पर भी नहीं जा सकता. तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसको दो न्यूक्लियस ने आपस में होल्ड किया हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम कह सकते हैं फिक्स है. This is a localized electron cloud. ये electron cloud दो nucleus के बीच में localized हो गया है, fix हो गया है, और अब ये कहीं और पर move नहीं कर सकता. ठीक है, ये electrons इन्हीं दो nucleus के दरमियान जो हैं वो move करते रहेंगे. तो हम लोगों ने ये term समझ ली कि fix जो होता है वो किस तरह से होता है. अब resonance इसमें नहीं होती. resonance आपको पता है कब हमारे पास होती है, when we are having alternate single and double bond, और हमारे पास जो होता है वो character जो होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का वो हमारे पास प्योर करेक्टर नहीं होता. उसको उसकी डिटेल हम अभी समझते हैं जब हम डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग को देखते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि दे आर लीस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज्ड बॉन्ड्स. तो उसकी वजह भी उसमें डी लोकलाइजेशन जो है वो है जो इस बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है. अब डी लोकलाइज्ड बॉन्ड देखें तो डी लोकलाइज्ड बॉन्ड की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. डी लोकलाइज्ड में हम कहते हैं कि रेजोनेंस होती है, तो हम ले लेते हैं सिंपल एग्जांपल एक ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें हमारे पास डीलोकलाइजेशन भी है. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं. अब देखें तो हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 वैलेंसी पूरी है, और यहाँ पर इस बॉन्ड का जो करेक्टर है वो क्या है, हमारे पास डबल है, और ये करेक्टर जो है हमारे पास वो सिंगल, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है. ठीक है, अब हमें पता है कि जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी और हमने इस कार्बन की बात की कि ये कार्बन जो है डबल और सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये सारी कार्बन जो हैं ये सारी जो हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के से गो थ्रू हो रही हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से गो थ्रू हो रही हैं. ठीक है, अब देखें तो इस कार्बन में भी क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड देखने में मिल रहा है.
इन दो कार्बन्स के बीच में हमें क्या देखने में मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड देखने में मिल रहा है, लेकिन ये कार्बन जो है यहाँ डायरेक्ट दो डबल बॉन्ड्स, इसी तरह ये वाली कार्बन भी इस तरफ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड और इस तरफ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, और हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि हमारे पास जो होता है एक s और दो p मिलके जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, और वन ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, और वही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि क्या कर रहा है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, ठीक है। हम इसको सारे को दोबारा से लिख लेते हैं, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर इन कार्बन्स में जो है वो क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जो के ये वाला पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पैरेलल ओवरलैप होगा इन दो कार्बन्स के पाई ऑर्बिटल्स में, पी ऑर्बिटल्स में, एंड दे विल लीड टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। अब ये वाला पी ऑर्बिटल जो है इधर भी ओवरलैप करेगा और इस वाली कार्बन के साथ भी ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला कार्बन जो है ये जितना ओवरलैप इस कार्बन के साथ करेगा उतना ही इसके ओवरलैप इस कार्बन के साथ करने के भी चांसेस हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला डबल बॉन्ड सिर्फ इन दो ऑर्बिटल्स, इन दो कार्बन के पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से नहीं बन रहा, और इन दो कार्बन के पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से नहीं बन रहा, बल्कि ये वाली दो कार्बन जिनके बीच में सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, इनके पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी ओवरलैप कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन्स इनके शेयर हो रहे हैं वो पूरी चेन के ऊपर जो है वो हम कह लेंगे डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिकली वो वाला बॉन्ड जो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है वो डीलोकलाइज्ड है, वो किसी दो न्यूक्लियसिस के ने उनको एज सच होल्ड नहीं किया हुआ, वो जो है वो रीशफल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये वाले बॉन्ड ऐसे हैं जिनको लोकेट करना या जिनको कैच करना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर आप इनको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये इधर चले जाएंगे, इधर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो इधर चले जाएंगे, तो मींस दे आर प्लेइंग अ रोल टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि दिस डीलोकलाइजेशन इज गोइंग टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी भी होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के ड्रॉ हो सकेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो होता है रेजोनेंस की वजह से जो होता है एक और रोल प्ले कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल की जो होती है वो एनर्जी कम हो रही होती है, मॉलिक्यूल की स्टेबल होगा तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ लेके जा रही होती है, ठीक है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास डीलोकलाइजेशन है दैट इज डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग अ लेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास, इसकी हमारे पास जो हैं हम कह सकते हैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। हम बात करते हैं फिनोल्स की और अल्कोहल्स की, कि हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं और फिनोल्स जो हैं इनमें हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अल्कोहल एंड दिस इज़ द फिनोल वी आर हैविंग, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड देखने में मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा। अगर इसकी ये वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो CH3O-, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके पास पड़े हुए हैं अब यहाँ पर फिक्स हैं, और ये किसी और के साथ जो है बड़ी आसानी से रिएक्ट करके ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उसको दे देगी, और हमारे पास ये अल्कोहल था जिसको हमने मेथनॉल कहा, ये हमारे पास लीस्ट हम कह सकते हैं स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द फिनोल। जब हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल्स जो होते हैं इसका जो होता है ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हाइड्रोजन जो है ये देगा किसी को तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो कोई भी स्पीशीज़ ज़्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड तब होती है जब उसका जो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस जो होता है, जब उसका एनायन जो होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो। तो हम बात करते हैं फिनोल्स आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स बिकॉज
बिकॉज देयर एनायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द एनायन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि डी लोकलाइजेशन जो है वो किस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ रोल प्ले कर रही है. इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एसिटिक एसिड की, और आप ले सकते हो एग्जाम्पल मेथनॉल की, अभी जिस तरह हमने लिए. ठीक है, तो एसिटिक एसिड इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एट कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, ये कहीं मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज नहीं हो सकता, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज जो है इसके साथ आके अटैक कर सकती है, इसके साथ आके रिएक्ट कर सकती है, एंड दिस विल लीड्स टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. लेकिन इसके जो आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो डीलोकलाइज होने के चांसेज होते हैं. ठीक है, यहाँ पर उसकी डीलोकलाइजेशन के चांसेस होते हैं, और मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो यहाँ से आप लोगों ने लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाना. अब डीलोकलाइजेशन जो होती है, डीलोकलाइजेशन हमारे पास किस तरह के केसेस में हो सकती है. डीलोकलाइजेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल में क्या हो, अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड हो, या हमारे पास क्या हो जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, वी आर हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है. इसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. इसके अलावा सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे पास जो हैं वो हो सकते हैं. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड हो और साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हमारे पास पड़ी हुई हो, तो वहाँ से भी डीलोकलाइजेशन जो होती है वो उसके होने के चांसेस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर. तो डीलोकलाइजेशन होने के लिए कुछ ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए, वरना अगर ये वाली करेक्टरिस्टिक्स उस मॉलिक्यूल में नहीं होंगी, ये वाले आप कह लो कि फंक्शन ग्रुप उस मॉलिक्यूल में नहीं होंगे, तो दैट मॉलिक्यूल विल लीड्स टुवर्ड्स अ लोकलाइज्ड बॉन्डिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, एंड यू गो थ्रू फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम देम, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देते रहें.